हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। बात करते हैं आज हम ली चैटलियर एंड ब्रॉन प्रिंसिपल के बारे में। ली चैटलियर ब्रॉन प्रिंसिपल, देखिए ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है। सेक्शन ए में पूछा जाता है, कभी कभी हो जाता है सेक्शन बी में पूछा जाता है, तो इसके साथ कोई न्यूमेरिकल भी दे दिए जाते हैं जो कि हमारे क्लैपेरॉन इक्वेशन के होते हैं, तो उसके उस इक्वेशन के न्यूमेरिकल भी दिए जाते हैं। तो इससे न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस भी करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में भी। पहले हम इसके बारे में जान देते हैं कि ये हमारा ब्रॉन प्रिंसिपल या फिर चैटलियर प्रिंसिपल, दोनों साथ बोलते हैं, चैटलियर ब्रॉन प्रिंसिपल ये होता क्या है। इसके बाद हम दो तीन क्वेश्चन के बारे में कवर करेंगे जो कि क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, वो भी हमारे क्लैपेरॉन इक्वेशन से ही क्वेश्चन उठते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं होता क्या है। कहा जाता है कि ली चैटलियर 1885 में और यह ब्रॉन ने 1886 में एक नियम प्रोड्यूस किया था। तो किसके नियम? द इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। कि वेरियस पैरामीटर ऑन द इक्विलिब्रियम सिस्टम, इक्विलिब्रियम सिस्टम पर जो वेरियस पैरामीटर होते हैं, इस पर एक इन्होंने इक्वेशन दिया था जो कि क्या कहलाता है हमारा, ली चैटलियर एंड ब्रॉन प्रिंसिपल कहलाता है। तो इस नियम के अनुसार, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है, छोटा ही हमेशा पूछा जाता है। इस नियम के अनुसार बताते हैं, इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यदि कोई भी सिस्टम हमारा किसमें, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब ये होता है फाइनल में जो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो और इनिशियल का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इक्वल हो, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्ट का रिएक्शन का जो रेट है और इनिशियल रिएक्शन जो हमारा रिएक्टेंट का रिएक्शन का रेट है, दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा था के बी इक्वल टू के ये, या फिर आप के पी इक्वल टू के आर पढ़े थे, या बी इक्वल टू एफ ए पढ़े थे, जो भी आपने पढ़ा था कि मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है, तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। कह रहा है कि इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब मतलब होता है कि थोड़ा अपने स्थान से डिस्टर्ब होना, या फिर थोड़ा भी परेशान यहाँ तो नहीं बोल सकते, बट डिस्टर्ब मतलब चेंजिंग आ जाना उसमें। तो कहा जा रहा है इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब होता है बाय द चेंजिंग एज द प्रेशर टेम्परेचर आर कंसंट्रेशन, यदि हम टेम्परेचर प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन में कोई चेंज करते हैं, तो अगर वह हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है तो एडजस्ट इटसेल्फ, या अपने आप एडजस्ट कर लेता है। कहा जा रहा है यदि टेम्परेचर कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर के चेंज करने से कोई भी सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो वह एडजस्ट इटसेल्फ, वो अपने आप से एडजस्ट कर लेता है। इन सच ए भी इस प्रकार एज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द चेंज, इस प्रकार जो चेंज होता है जब वो एडजस्ट कर लेता है, तो जो चेंजिंग आती है कि जो टेम्परेचर कंसंट्रेशन एंड प्रेशर में चेंजिंग करने से जो चेंजिंग आती है उसमें, वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, मतलब इसके इफेक्ट का सिर्फ न्यूट्रलाइज रह जाता है, मतलब इफेक्ट का कोई प्रभाव तब नहीं पड़ता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। एज फार द पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो सकता है, ये क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जब टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन में चेंजिंग होती है तो ये जो डिस्टर्बेंस आता है सिस्टम में इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के कारण, ये क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और इस प्रकार एडजस्ट करने से इसके पे जो इफेक्ट आता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यह इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, ली चैटलियर ब्रॉन प्रिंसिपल कहलाता है। ये सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद करना है, जब आपको पूछा जाएगा सेक्शन ए में तो आप बताएंगे इतना कुछ बोलेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल करके, अरे पीएलई रहेगा, पीएएम तो ये तो प्राचार्य हो जाएगा ना, पीएलई रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार आप बोलेंगे, समझ में आ गया ना। चलिए कुछ क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को और खुद लगाने के बाद प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो फार्मूला आपको पता होगा, हमने जो बताया था क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन, उसका ही फार्मूला इसमें लगेगा। कराया द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 85 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो 540 mm है, मतलब 540 mm है, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 760 mm। तो कैलकुलेट द मोलर हीट वेपराइजेशन ऑफ द वाटर इज अर्ग पर मोल, अर्ग में हमें निकालना है बिटवीन दीज टू टेम्परेचर, इन दोनों टेम्परेचर के बीच में हमें क्या निकालना है, हीट ऑफ वेपराइजेशन।
तो आगे हमारा आर की वैल्यू दे रहा है 8.314 जूल होता है, 1 जूल में 10^7 अर्घ होते हैं, इसलिए आर की वैल्यू 10^7 अर्घ पर मोल दे रहा है। अगर जूल में दिया होता तो 8.314 ही होता है जूल पर मोल, सिंपल सा आप जानते भी हो। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, लिखेंगे फ्रॉम क्लैपरन, फ्रॉम यही तो लिखे थे, क्लासियस इक्वेशन, क्या होता है लॉग P2 / P1 ∆HV, हमें इसी वैल्यू निकालनी, ∆HV अपान 2.303। लॉग वेस्ट टेन में चेंज किए थे ना इसको, सही लॉग कहाँ है इसमें आ गया, लॉग वेस्ट टेन में था ये, लॉग वेस्ट टेन में ही वैल्यू निकाली जाती है, वेस्ट ई जो होता है वो नेचुरल फॉर्म हमेशा लिखा ही जाता है। तो इनटू में आर 1/T1 - 1/T2, यही तो था हमारा। अब हम अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, P2/P1 या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इक्वल टू ∆HV / 2.303 आर, इसको एलसीएम लेंगे तो T1 T2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा T2 - T1 हो जाएगा ना, वैल्यू पुट कर देंगे लॉग बेस 10, P2 की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ से, दिखा दीजिए यहाँ पर, बिना दिखाए आप समझ नहीं पाओगे। हियर P1 इक्वल टू कितना दे रहा है 540 mm, P2 इक्वल टू कितना दे रहा है हमारा 760 mm, T1 इक्वल टू 85 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 85 + 273, इसे केल्विन में चेंज कर लेंगे, तो 5 × 3 = 8, 7 × 7 = 14, 1 = 15, 2 × 1 = 358 केल्विन हो गया। और T2 की वैल्यू कितना है 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 100 में 273 जोड़ेंगे जब, क्या हो जाएगा 373 केल्विन में चेंज हो जाएगा। T1 T2 की वैल्यू मिल गई, R की वैल्यू हमारा दे ही रहा है, R बराबर 8.314 × 10^7 अर्घ पर मोल। अब वैल्यू यहीं पर पुट कर देंगे, P2 की वैल्यू उठा लीजिए 760 है अपान 540 इक्वल टू ∆HV की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर दिखा दीजिए ∆HV इक्वल टू व्हाट, इधर मत दिखाइएगा आप लोग, पहले इसको लिखिएगा उसके बाद इसको लिखना स्टार्ट कीजिएगा, हम ध्यान नहीं दिए इसको पहले लिख दिए थे, तो कोई बात नहीं। चलिए 2.303 × R की वैल्यू क्या है आपकी 8.314 × 10^7, T2 वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर 373 - 358 / T1 T2 मतलब 358 × 373, इतनी वैल्यू आ गई। अब देखेंगे लॉग 760 / 540, जब टोटल इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान देंगे, देखिए भैया वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसको जब टोटल काट के आप वैल्यू निकालोगे तो जितना भी काटने के बाद निकले 0 से 0 मान लीजिए कट गया, क्या बचा लॉग 76 / 54 काट दीजिए अभी, तो 27 इधर बचेगा और 38 इधर बचेगा, तो 38 / 27 जब टोटल वैल्यू निकालेंगे ये वैल्यू आएगा हमारा 0.1484, तो ऐसे पेपर में जब आएगा तो वैल्यू देगा आपको, डोंट वरी, नहीं तो आप कितना वैल्यू याद करोगे 2.303 × 8.314 × 10^7, और इधर क्या हो जाएगा 373 में से 358 जब घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 15, और इतने में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 13, 35 और 34, 13, 35, 34, ठीक, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करा दोगे इसको आप कितना बचेगा 19.09 × 10^7, जब क्या करेंगे ∆H की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर हो जाएगा, निचली वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे, जब टोटल कैलकुलेशन आप करोगे तो टोटल कैलकुलेशन करना है तो आप लोग जानते ही हो जनरली, भाई BSc पहुंच चुके हो अब कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन बहुत तेज कर पाओगे आप लोग, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 6.4 × 10^7 अर्घ पर, तरीका समझिए बस।
समझ गए। तो इसी बेस पे आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इस बेस पर, इस प्रश्नावली में कई क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इस बेस पर लगाइएगा। आगे हमारा वन टॉपिक क्वेश्चन आएगा, एक वीडियो और रहेगा वन टॉपिक क्वेश्चन के लिए, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से और अच्छी तरह से पेपर का प्रिपरेशन के लिए तैयार कीजिए।